इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या इंसानियत आज भी जिंदा है? वाकई आज भी जिंदा है। इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। आज पूरे मुल्क में जहां हिंदू मुस्लिम नफरत का एक तूफान उठा हुआ है, एक दूसरे की तरफ शक और दुश्मनी की लकीर खींचने की मुकम्मल साजिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही और की जा चुकी है। टीवी मीडिया के जरिए किसी तरह मखसूस माशरे को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में अगर हिंदू मुस्लिम किसी तरह मजहबी तफरका न करते हुए खून के रिश्तों से भी बढ़कर इंसानियत का रिश्ता निभाने वाली मिसाल बहुत कुछ बयान करती है। वैसे हमारा बेलगाम शहर भी कभी इसी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पहचाना जाता था, पर फिरका परस्ती के जहर ने असर दिखाया, मजहबी तशद्दुद के लिए यह शहर जाना जाने लगा। खैर, इस मुल्क की मिट्टी में इंसानियत की जड़ें इतनी मजबूत गहराई तक पहुंची हुई है कि पूरी तरह से नफरत का जहर घोलना फिरका परस्तों के लिए भी आसान नहीं है। पर आज बेलगाम शहर को मजहबी तशद्दुद की फहरिस्त में दाखिल किया गया, जिसका अफसोस होता है। आज जब कोरोना का दौर है, तब भी कई मुस्लिम तंजीमों ने उन लोगों पर शमशान में हिंदू रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात को मुकम्मल करने की कई मिसालें पेश की थी। आज भी अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कभी दिखाई देती है, तो ना सिर्फ शहर के बल्कि इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के वो दिन भी याद आते हैं जब ईद और त्योहार मिलकर मनाए जाते। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला शेवगांव तालुका के बोधीगांव में जो वाकया देखा गया, वाकया के लिए मुल्क की तस्वीर को देखने के लिए काफी है। जिन्होंने इस मुल्क को मखसूस मजहबी तासुब में रंगने का ख्वाब देखा हो, उन लोगों के चेहरे पर एक तमाचा साबित हो सकता है जो इस मुल्क को मखसूस मजहबी तासुब में रंगाने का ख्वाब देखा होगा। आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म, भाषा, जात पात की नफरत के आगे जाकर इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। अहमदनगर बोधगांव के बाबा पठान ने यह मिसाल कायम की है, जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती है। खून के रिश्ते से भी बढ़कर पठान जैसे कई अफराद इस दुनिया में आज भी हैं जिन पर इंसानियत नाज करती है। इस गांव की दो मासूम हिंदू लड़कियां, जिनका नाम गौरी और सावरी है, जिनके वालिद और भाई का पहले इंतकाल हो गया था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बाबा पठान ने ली थी। बाबा पठान को दोनों लड़कियां मामा कहती थी और पूरी ईमानदारी के साथ इन परिवार के पठान मामा देखभाल करता था। और आखिर वो दिन आया जब इन दोनों लड़कियों की शादी भी नहीं, इन दोनों लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी भी इस बाबा पठान ने निभाई। इन बच्चों के घर के सामने रहने वाले बाबा पठान जुनून इंसानियत नाम की तंजीम भी चलाते हैं। दोनों लड़कियों की मां सविता ने अपने बच्चों की परवरिश बर्तन मांझ कर की थी, लिहाजा गुजारा इससे नहीं होता था, तो बाबा पठान इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाता रहता था। सविता बाबा पठान को अपना भाई मानती है। सविता को कोई अपना भाई नहीं, लिहाजा मुंह बोला भाई बाबा पठान ने खून के रिश्ते से भी बढ़कर अपना रिश्ता निभाया, ऐसा गौरी सावरी की मां सविता ने बताया। गौरी और सावरी की पढ़ाई का खर्चा भी बाबा पठान ने उठाया। गौरी ने 12वीं तक पढ़ाई की है तो सावरी ने 10वीं तक की है। दोनों बहनों की शादी की उम्र हुई तो बाबा भाई ने अपनी मुंह बोली बहन सविता के सामने दो रिश्ते लाए जो सगे भाई थे। भाई के मशवरे पर बहन ने करार किया। दोनों की शादी हिंदू रस्म रिवाज के साथ बाबा भाई ने निभाई। शादी के बाद विदाई के वक्त मामा भाई पठान के गले मिलकर बेख्तियार रोने वाली बेटियों का मंजर देखकर सभी के आंखों में पानी आ गया। कैसा रिश्ता होगा जो खून के रिश्तों से बढ़ के था? मामा कहने वाली गौरी और सावरी ने अपने बाप की भी कमी नहीं होने दी, ऐसा कहा। आज इस शादी का जिक्र तस्करा हर जगह पर हो रहा है। जहां भारत में हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रुख देने वाली हैवान सिफत लोग कभी इस रिश्ते की तरफ देखकर इंसानियत के पैगाम को आम करेंगे? क्या ऐसा सवाल पूछा जा रहा है? आज जब मुफाद परस्त दुनिया में अपने ही अपनों के नहीं होते, पर एक मुसलमान होकर बाबा पठान ने हिंदू लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह विदा किया, इससे आज के भारत में क्या कहा जाए? वाकई ऐसे इंसानियत को आम करने वाले बाबा पठान जैसों को इत्तेहाद न्यूज़ सलाम करता है और थूकता है उन फिरका परस्तों के चेहरों पर जिन्होंने इंसानियत को अपने कदमों तले रौंद कर इंसानियत का खून करने का बाजार गर्म किया हुआ। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है जिस पर चलकर ही इस मुल्क की हिफाजत हो सकती है, क्योंकि इस देश की रूह में, इसकी बुनियाद में गंगा जमुनी तहजीब है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह प्रतिप्रमाणे आपण म्हणतो का मामा पाहिजे, पण त्यांना सख्खा मामा नसल्यामुळे ते पहिल्यापासून लहानपणापासून ते मला मामा मानतात। आणि ते मामा या शब्दाला मी माझ्या कर्तव्याने मी त्यांच्या मागं उभा राहिलो आणि त्यांच्या मागं उभं राहून जी परंपरा आहे ती परंपरा मी पूर्ण केली।
पहिली दुसरीपासूनचं आमचं नातं आहे, राखी बांधणं, भाऊबीज करणं. आम्ही कधीच भेदभाव केला नाही, मराठा हिंदू ह्याच्यात आमचं कधीच काही नव्हतं. सगळ्या गोष्टी आम्ही एकदम सख्या भावापेक्षाही माझ्या रक्ताचं नातं कमी पडलं इतकं मला माबापा ठाणणी केलं. त्यांचा हात माझ्या डोक्यावर आहे म्हणून मी एका